टॉर्क और ना इलेक्ट्रिक टाइप और ना इलेक्ट्रिक टाइप की ना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम कैसे कहते हैं पैरेलल लाइन से दिखाएंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज डाइपोल हियर, ये डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज प्लेस करेंगे तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ओके, वेक्टर में ये होता है, ठीक है। यानी कि इन दोनों फोर्स पे क्या लगे, इन चार्ज चार्जेस पे फोर्स एक्ट होगा, इन दोनों चार्जेस पे क्या एक्ट होगा, फोर्स एक्ट होगा। और लेकिन जो चार्जेस ऑफ फोर्स, इस पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, है ना। इस पे जो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। द फोर्स विल बी हियर, द फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, ओके। एफ दिस इज एफ, एफ वन बोल सकते हैं, और इसमें दूसरा जो फोर्स लगेगा इस पे वो कितना लगेगा, माइनस क्यू ई, दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दिस फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दोनों डाइपोल की दोनों एंड्स पे फोर्स, इसमें क्या लग रहा है, ऐसे, इसमें ऐसा लग रहा है और इसमें ऐसा लग रहा है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये इधर ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। सो दिस फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन डाइपोल, ओके। सो नेट फोर्सेस जीरो, नेट फोर्सेस जीरो, है ना। तो कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा ना, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा कोई, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स एक्ट होते हैं। लेकिन द लाइन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट ना, इसका लाइन ऑफ फोर्स कहाँ है, तो देखो ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इस लाइन में, और ये इस डायरेक्शन में, तो लाइन ऑफ फोर्स डिफरेंस हो गया, हेंस और टॉर्क विल बी एक्टेड अपॉन डाइपोल, ऑन डाइपोल, डाइपोल पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। हमें पता है जब लाइन ऑफ फोर्स अलग होता है तो क्या लगेगा, टॉर्क लगता है ना, टॉर्क, रोटेशन इफेक्ट, रोटेशन इफेक्ट, ठीक है। एंड हमें पता है डाइपोल टॉर्क इज, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, समझ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग क्लास में पढ़ा, समझ, रवि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो यही है टॉर्क का फॉर्मूला। तो देखो टॉर्क, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। सपोज ये थीटा है, सपोज ये थीटा है, तो दिस इज, ओके, दिस इज एल, दिस इज टू एल, दिस इज टू एल, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली लेंथ, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये थीटा है, तो दिस विल बी, है ना, ये परपेंडिकुलर आ रहा है इसके, तो साइन देखो कैसे, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री है, तो साइन थीटा इज दिस डिस्टेंस, इसको ले लेते क्या, मैं इसको पॉइंट ले लेते हैं, ओके, दिस इज ए बी सी, ए सी इज ए सी अपॉन 2l, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए सी इज 2l sin थीटा, ए सी इज 2l sin थीटा। तो दिस इज फोर्स कितना है, फोर्स हमें पता है क्या, क्यू ई है, आइदर फोर्स, फोर्स कितना, टू ई है, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 2l, ओके, दैट इज, ओके, 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, 12 sin थीटा, एंड है ना, 12 sin थीटा, और q into 12 क्या होता है, q into 12 is p, q into 12 is p, है ना, डाइपोल मोमेंट, p sin थीटा। तो टॉर्क कितना आ गया, टॉर्क इज p sin थीटा, एंड वी नो दैट p इज sin थीटा, sin थीटा जब होगा तो क्या हो रहा होगा, वहां क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। टॉर्क इज डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इज टॉर्क, ओके। यहां से हम और इस पे हम बेस के डिस्कस कर सकते हैं, इसके लिए टाइम
अभी तो नहीं है, फिर भी देख लेते, चलो हो जाएगा है ना। तो देखो ये आगे टॉर्क, और अगर क्या हो जाए थीटा, अगर कितना हो जाए जीरो, इफ थीटा इज जीरो, इफ थीटा इज जीरो, इज थीटा इज जीरो, थीटा जीरो है मतलब, थीटा जीरो होने का मतलब क्या है, ये डायपोल इज है ना, डायपोल इस तरह अलाइंड है ठीक है, इफ थीटा इज जीरो साइन थीटा इज जीरो ठीक है। टॉर्क कितना हो जाएगा तब जीरो टॉर्क है ना, मतलब डायपोल ऐसे लाइन है, इसका नेगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर, ओके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है नेगेटिव इधर, तो इस पर कोई टॉर्क लगेगा, तो इस पर टॉर्क नहीं लगेगा, दिस इज स्टेबल कंडीशन, स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम ओके। और मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क विल बी व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री तो मैक्सिमम टॉर्क, और साइन 90 हमें पता है 1 होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क विल बी ओके कितना हो जाएगा P, P इज मैक्सिमम टॉर्क। तब जब ऐसा होगा परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायपोल, तब क्या होगा मैक्सिमम टॉर्क लगेगा इस पर, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और सब अगर थीटा कितना हो जाए 180, तो साइन 180 हमें पता है, साइन 180 इज, साइन 180 इज जीरो, साइन 180 इज -1 ओके, साइन 180 इज अगेन जीरो ना ओके, तब भी क्या हो जाएगा टॉर्क, उस केस में टॉर्क जीरो आ जाएगा, उस केस में भी टॉर्क जीरो आएगा। एक सेकंड बचा, इस केस को देखो ओके, बिल्कुल जीरो आएगा ना, लेकिन ये भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, लेकिन दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो टॉर्क इसमें भी जीरो लगेगा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। तो ये चीज आपको आ गई होगी, और इसमें फिर हम डिफाइन कर लेंगे इसे, यहाँ से मैक्सिमम टॉर्क के लिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर लेंगे पी इंटू, ये मैक्सिमम के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, सॉरी पी क्या आ जाएगा, टी मैक्स अपॉन ई, टी मैक्स अपॉन ई है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1 न्यूटन पर कूलम है, तो टॉर्क डायपोल में टॉर्क इक्वल है, कहने का मतलब अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा है, अगर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा है, तो जितना टॉर्क उस पर लग रहा है, जितना टॉर्क लग रहा है उस पर ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डायपोल को रखा है ऐसे, तो जितना टॉर्क लग रहा है वो इसका डायपोल मोमेंट है, तो डायपोल मोमेंट कुछ और नहीं है टॉर्क ही है ठीक है, डायपोल मोमेंट टॉर्क ही है, यहाँ से समझ इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। समझ में आया, कुछ डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे कोई प्रॉब्लम होगी ठीक है।